यूपी पुलिस एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल कल आधी रात के बाद यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने एप्पल के सेल्स मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जानकारी मांगी है, तो वहीं यूपी पुलिस ने इस मामले में आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के सहयोगी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल ने पहले एप्पल के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को रोकने की कोशिश की और इसके बाद उनका पीछा कर उन्हें गोली मार दी। खबरों के मुताबिक तिवारी फायरिंग के बाद काफी डर गए थे और इसी डर की वजह से उनकी गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। अब एप्पल के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की मौत पुलिस की गोली से हुई या फिर कार टकराने से, इसका खुलासा हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन खबरों की माने तो पुलिस कांस्टेबल की गोली विवेक तिवारी के ठुड्डी पर लगी है और विवेक तिवारी के कार के शीशे इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि पुलिस की गोली यहीं लगी। बहरहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर विवेक तिवारी के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।